नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। ओरछा रोड थाने के अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर एक ढाबा कर्मचारी की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों द्वारा हत्या की गई है वे भी समीप ही एक ढाबे को संचालित करते थे और उनके बीच में पुराना विवाद है। इस पूरे मामले में दो कहानियां निकल कर सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम के पहले लोगों ने शव को रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर CSP लोकेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी, तब कहीं जाकर जाम खुला। बीती रात छतरपुर जिले के ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम देवपुर के समीप स्थित न्यू ढाबे पर एक 38 वर्षीय ढाबा कर्मचारी श्रीपत पाल की डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या की इस वारदात की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। हत्या को लेकर दो प्रकार की चर्चाएं हैं। एक चर्चा के मुताबिक ढाबे पर शराबखोरी के दौरान कर्मचारी के साथ कुछ लोगों का विवाद हुआ, जिसकी रंजिश पर ये हत्या की गई। एक अन्य चर्चा के मुताबिक हत्यारोपी भी ढाबे के कारोबार से जुड़े हैं, पूर्व में हुए एक विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। ओरछाड़ थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने बताया कि रात के वक्त श्रीपत पाल के ऊपर डंडे से हमला कर उसकी हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव बरामद किया। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने भी घटना स्थल से सबूत और साक्ष्य जुटाए हैं। उक्त ढाबा नीलू तिवारी का है, जहां श्रीपत पाल काम करता था। मृतक के परिजनों के मुताबिक हत्या की इस वारदात में ग्राम खंदेवरा निवासी सोनू पाठक और शिवेंद्र यादव सहित कमलेश पाठक और भानु पाठक शामिल हैं। पुलिस ने दो संदेहियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। जांच में कई अलग अलग बिंदु सामने आ रहे हैं। कमलेश पाठक का भी एक छोटा सा ढाबा आगे ही मौजूद है, जिसको लेकर पिछले दिनों विवाद हुआ था। इस मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। हत्या के बाद श्रीपत पाल के परिजनों ने चार आरोपियों पर हत्या का संदेह जताया और उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया जा रहा था, तभी परिजनों ने इसे सड़क पर रख दिया और विरोध करने लगे। घटना की सूचना लगने के बाद CSP लोकेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी कि पुलिस पूरी तरह निष्पक्ष कार्यवाही करेगी। मर्डर होगा श्रीपत का। आपके कौन है? लड़का। कब हुआ मर्डर? रात के। कितने बजे? अब दो हमें मिलोगे, दो बजे होगा, एक दो बजे, एक एक दो। किस किस में मारा? चार लोग बताए गए। क्या नाम है उनका? कमलेश पाठक, दूसरा नाम भानु पाठक, तीसरा सोनू। सेवन्ना देखा, सेवन का न मारे। नोगांव छतरपुर रोड पर ढाबा है, जिसमें एक लड़का जो श्रीपद पाल है उसकी मृत्यु हो गई है। ढाबा संचालक के द्वारा बताया गया है कि रात को उसकी मौत हो गई है और इसमें FNL टीम और पुलिस के द्वारा जांच की गई है। डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और बॉडी को PM के लिए भेजा गया है।